हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज मैं मॉडल वर्ब की शुरुआत करने वाला हूं। हम लोग आज मॉडल वर्ब पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कैन, कुड और इज, एम आर, वाज वर प्लस एबल टू के प्रयोग को। तो स्टूडेंट्स, इसे पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है। तो मॉडल वर्ब, अगर बात करें मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब एग्जिलरी वर्ब होती हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ये वर्ब की मूड को व्यक्त करती है, मतलब ये वर्ब की अवस्था या भाव को व्यक्त करती है। मूड या मूड एक ही बात है, क्योंकि ये वर्ब्स के भाव क्रियाविधि को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल कहा जाता है। ये वर्ब के भाव या क्रियाविधि को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या होती है, अब ये देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि इनका प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, यानी कि इनका जब प्रयोग होगा तो मेन वर्ब अवश्य आएगा, ये ध्यान रखना है। ये अगर हम मॉडल का अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, अगर मॉडल का प्रयोग करना है तो मेन वर्ब लगाना ही होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये देखनी होती है कि मॉडल पर किसी भी नंबर, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, या फिर फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ही सिंगुलर है, अगर ही के साथ कैन लगता है तो आई के साथ भी कैन लगेगा, यू के साथ भी कैन लगेगा, दे के साथ भी कैन लगेगा, राम के साथ भी, सीता के साथ भी कैन लगेगा। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन क्या है। इनका प्रयोग जो होता है सामान्य रूप से सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। अगला है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी कि V1 लगता है, और मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, टी ओ टू का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि मॉडल में ऑट और यूज्ड ऐसे दो मॉडल वर्ब हैं जिनके साथ टू लगता है, एक्सेप्शन है, लेकिन आप बाकी के साथ टू का प्रयोग आप नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी मॉडल हैं जैसे नीड है, डेयर है, या फिर यूज्ड है, जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, इसलिए इन्हें मार्जिनल मॉडल कहा जाता है या सेमी मॉडल कहा जाता है ना। तो देखते हैं कैन, कुड और बी एबल टू का प्रयोग। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दिया कि वी यूज कैन टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल और अलाउड, यानी कि हम कैन का उपयोग इसलिए करते हैं कि ये बताता है कि कोई चीज संभव है और कोई चीज की जा सकती है, और दैट समबडी हैज टू एबिलिटी टू डू समथिंग, और किसी के पास सामर्थ्य है, यानी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है किसी चीज को करने के लिए। तो अगर कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर की बात की जाएगी प्रेजेंट में, तो उसको उसके लिए हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं, कैन प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल, हम यहाँ अपने होटल से झील को देख सकते हैं। आई डोंट हैव ए पेन, यू कैन यूज माइन, आप मेरा यूज कर सकते हैं। और आगे है, आई कैन कम एंड सी यू टुमारो इफ यू लाइक, तो मैं आई कैन कम एंड सी यू टूमोरो, मैं आ सकता हूँ कल और आपसे मिल सकता हूँ, इफ यू लाइक, यदि आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग देखिएगा, इसलिए होता है, यानी एबिलिटी दिखाने के लिए होता है, या पॉसिबल चीज़ों को, संभव चीज़ों को दिखाने के लिए होता है, या अलाउड यानी कि अनुमति दिखाने के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ है निगेटिव, निगेटिव कैन नॉट का कांट होता है या कैन नॉट होता है, ये फुल है और फॉर्म है, और ये जो है शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आई एम अफेयर्ड आई कांट कम टू द पार्टी, मैं भयभीत हूँ, मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ फ्राइडे को। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने कैन का प्रयोग। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैन के साथ यानी कैन के बदले हम इज, एम आर, जो कि टू बी वर्ब होता है, बी वर्ब होता है, इज, एम आर, वाज वर्ब होता है। तो लेकिन अगर कैन का प्रयोग, कैन को हम अगर प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो इज, एम आर लगेगा और तब एबल टू लगेगा। अगर इज, एम आर प्लस एबल टू का प्रयोग आप करते हैं तो उसका मतलब कैन ही होता है ना। तो अगर एबल टू का कहीं प्रयोग हुआ हो तो वहां आप कैन नहीं लगा सकते हैं, और जहां कैन का प्रयोग हुआ है वहां एबल टू नहीं लगा सकते हैं। यानी कि कैन के साथ कैन प्लस एबल टू नहीं लगा सकते हैं, और एबल थी, और फिर अगर एबल टू आप लगाते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वहां कैन नहीं लगाइएगा, वहां पर आप इज, एम आर लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि वी आर एबल टू सी द लेक फ्रॉम आवर होटल, या वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल, एक ही बात है। अगर हम कहते हैं वी आर एबल टू या कैन, तो बात दोनों का एक ही होता है। बट कैन हैज ओनली टू फॉर्म्स, जैसे कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट है ना। सो समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज बी एबल टू, इसलिए कभी कभी जरूरी हो जाता है कि हम बी एबल टू यानी कि इज, एम आर, वाज वर प्लस एबल टू का प्रयोग करें। देखिए आई कांट स्लीप, यहाँ भी है कि आई हैव नॉट एबल
आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली। देखिए यहाँ पर हम पर इसका दो ही प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन अनेकों अगर फॉर्म में इसको लगाना है तो उसके लिए हमें क्या, जैसे मस्ट के साथ लगाना है, जैसे हैव के साथ लगाना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं उस सेंस में हम वहाँ पर हमको बी एबल टू का प्रयोग करना होता है, इसलिए बी एबल टू का प्रयोग होता है। देखिए इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में कैसे बी एबल टू का प्रयोग हुआ है और कैसे कैन का प्रयोग हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं नेक्स्ट कुड का प्रयोग जो है। कुड समटाइम्स कुड इज द पास्ट ऑफ कैन, कभी कभी कुड का प्रयोग कैन के पास्ट में होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब किसी क्लज का जो है, प्रिंसिपल क्लज का वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो आने वाला जो सबॉर्डिनेट क्लज होता है उसका भी जो वर्ब होता है वो क्या होता है, पास्ट में होता है। तो वहां अगर कैन का इस्तेमाल करना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का करते हैं, क्योंकि पास्ट में प्रिंसिपल वर्ब रहता है। जैसे यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ कि समटाइम्स कुड इज द पास्ट ऑफ कैन, कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। वी यूज कुड स्पेशली विथ सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, यानी इन वर्ब्स के साथ हम कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट में। जैसे यहाँ पर है कि वी हैड ए लवली रूम इन द होटल, मैंने हमारा बहुत अच्छा कमरा था होटल में, वी कुड सी द लेक, वहां से हम लेक देख सकते थे। तो यहाँ देखिएगा पास्ट में जब ये पहला सेंटेंस है तो आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, तो यहाँ कैन के बदले क्या लगाया, कुड लगाया, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है। वैसे ही आया सुना जाए वॉक इन टू द रूम, जैसे ही मैं अपने कमरे में आया कुड स्मेल गैस, तो मुझे गैस मतलब कि मैंने गैस को महसूस किया, मतलब कि स्मेल आया गैस का। तो यहाँ पर देखिए यानी कि स्मेल हो गया या हियर हो गया, ऐसे कुल जो वर्ब हैं इनके साथ पास्ट टेंस में कैन कुड का इस्तेमाल होता है। वी ऑल्सो यूज कुड टू से दैट समबडी हैड द जनरल एबिलिटी और परमिशन टू डू समथिंग, यानी कि हम कुड का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि पास्ट में किसी के पास सामर्थ्य था, एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी कोई चीज करने की, तो उसे भी दिखाना होता है, यानी पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दिखाना होता है, तो उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ कि माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक फाइव लैंग्वेजेज, मतलब मेरे दादाजी पांच भाषाएं बोल सकते थे। वी वर टोटली फ्री, वी वुड डू व्हाट वी वांटेड, हम लोग एकदम से फ्री थे, जो हम चाहते थे वो कर सकते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि हम यानी कि पास्ट की एबिलिटी को यानी परमिशन को, जैसे कि यहाँ अलाउड किया गया, तो पास्ट की एबिलिटी या परमिशन को या कैपेसिटी या पावर को दिखाना होता है, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, या देखेंगे कुड एंड वाज एबल टू। जैसा मैंने पहले ही बताया है ऊपर की जब मैं शुरुआत के स्टार्ट किया वीडियो, कैन को कुड और एबल टू को मैंने जब समझाया, तो वहां पर मैंने बताया कि कैन के बदले इज एम आर प्लस एबल टू लगता है और कुड के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस एबल टू लगेगा। हालांकि एबल टू का इस्तेमाल, बी प्लस एबल टू का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट टेंसेज में होता है, क्योंकि कैन का केवल प्रेजेंट और कुड का केवल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की तरह यूज किया जाता है। बाकी टेंसेज में अगर यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, बी एबल टू लगाते हैं, वहां तो कैन और कुड नहीं लगा सकते हैं, इसलिए जो है बी एबल टू का प्रयोग हम करते हैं, और इसलिए इसको बी एबल टू का ज्यादा महत्व हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि वी यूज कुड प्लस जनरल एबिलिटी, कुड का प्रयोग हम जनरल एबिलिटी के लिए करते हैं। बट इफ यू वांट टू से दैट समथिंग डिड, समबडी डिड समथिंग, अगर आप कहना चाहते हैं किसी ने कुछ किया इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी खास स्थिति में, यूज वाज वर एबल टू और मैनेज टू नॉट कुड, तो वहां पर आपको लगाना होता है वाज वर एबल टू या मैनेज टू, आप कुड नहीं लगाते हैं वहां पर। यानी फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, यदि कुड का उपयोग किस लिए होता है, तो जनरल एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है कि मतलब समान एबिलिटी थी, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक खास सिचुएशन है, उस खास सिचुएशन में किसी ने कोई काम को किया है, देखिए यहाँ पे दिया कि बट इफ यू वांट टू से दैट समथिंग समबडी डिड समथिंग इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब किसी ने, मतलब कि क्या दिया हुआ यहाँ पर कि किसी ने किसी खास स्थिति में कोई काम किया है, मतलब जनरल एबिलिटी नहीं दिखा रही है यहाँ पर, दिखाई जा रही है, बल्कि दिखाया जा रहा है कि किसी खास स्थिति में कोई काम किया है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, वाइबल प्लस एबल टू का उपयोग करते हैं या मैनेज टू का उपयोग करते हैं, वहां पर आप कुड का उपयोग नहीं करते हैं। अगर कुड का उपयोग आप करते हैं वहां पर तो वो गलत हो जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ कि द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विकली, मतलब कि पूरी बिल्डिंग में तेजी से आग फैल गई, बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी वाज एबल टू एस्केप या मैनेज टू एस्केप, यहाँ पर आप कुड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल एबिलिटी थोड़े है कि हमेशा आग लगती रही है बिल्डिंग में, हमेशा लोग भागते रहे, ऐसा तो है नहीं, ये तो किसी खास सिचुएशन की बात की जा रही है। तो अगर खास सिचुएशन की बात की जाएगी तो वहां पर आप मैनेज टू लगाएंगे या नहीं तो वाज एबल टू लगाएंगे या वर एबल टू लगाएंगे, आप वहां कुड नहीं लगा सकते हैं, अगर कुड लगाते हैं तो गलत हो जाता है। फिर देखिए दूसरे एग्जाम्पल में कि वी डिड नॉट नो वेयर डेविड वाज, मुझे नहीं पता कि डेविड कहाँ था,
बट वी मैनेज टू फाइंड और वर एबल टू फाइंड हिम इन द एंड, लेकिन अंत में हम लोग खोज पाए उसे। तो ये भी तो जनरल एबिलिटी नहीं ना है। अरे डेविड हमेशा थोड़े गायब हो जाता है, वो किसी खास स्पेसिफिक सिचुएशन में गायब हुआ था, तो वहां पर आप मैनेज टू या फिर वाई वर एबल टू का प्रयोग ही करेंगे, वहां पर आप कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। कुड का प्रयोग जनरल एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, जैसे कि मेरे पास, मैं बचपन में किताबें पढ़ सकता था, है ना, मैं बचपन में साइकिल चला सकता था, तो इस प्रकार की, 5 साल पहले मैं अच्छा लिख सकता था, तो इस प्रकार की एबिलिटी को, यानी जनरल एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का प्रयोग होता है, जनरल एबिलिटी पावर या कैपेसिटी को दिखाने के लिए होता है। बल्कि लेकिन अगर स्पेसिफिक सिचुएशन में बात की जाएगी उसकी, तो वहां पर आप वाज वर एबल टू या मैनेज टू का प्रयोग करेंगे, ये तो सही होगा। अगर आप कुड का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसका इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा इससे रिलेटेड, और फिर आगे हम लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ऐसे चीज़ों का ध्यान आप लोग ज़्यादातर दें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो पढ़ते ही हैं हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बार अच्छी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। और देखिए यहाँ पर, यहाँ कह रहे हैं कंपेयर कंपेयर जस्ट जैक वॉज एन एक्सलेंट टेनिस प्लेयर वेन ही वॉज यंगर। देखिए यहाँ पर कंपेयर हम कर रहे हैं कि जो ये क्या कहते हैं कि जैक जो था वो, याद दे रहा है कि जैक जो था वो क्या था, वो एक अच्छा टेनिस प्लेयर था वेन ही वॉज यंगर, जो वो जवान था। ही कुड बीट एनीबडी, वो किसी को भी हरा सकता था। तो ये किसकी बात हो रही है, यानी कि जनरल वे में हो रहा है, जनरल एबिलिटी की बात होती है, किसी को हरा सकता था वो जो जवान था। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जैक एंड एंडी प्लेड ए मैच स्टडे, कल मैच खेले, खास सिचुएशन की बात हो रही है। एंडी प्लेड वेल, एंडी अच्छा खेला, बट जैक मैनेज टू बीट हिम, लेकिन जैक उसको हराने में सफल रहा। तो यहाँ पर ये किसकी बात हो रही है, तो किसी खास टाइम की बात हो रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर, या तो यहाँ पर कह सकते थे कि जैक वॉज एबल टू बीट हिम, या फिर मैनेज टू बीट हिम, यहाँ पर अगर कूट लगाते तो गलत हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। या देखिए स्टूडेंट है कि द निगेटिव कुड नॉट या कुड नॉट, जैसे कुडंट या कुड नॉट, कुडंट होता है क्या कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म होता है, कुड नॉट फुल फॉर्म होता है। इज पॉसिबल इन ऑल सिचुएशन, ये इसका प्रयोग आप ऑल सिचुएशन में, चाहे वो स्पेसिफिक हो या फिर जनरल हो, तो आप कर सकते हैं कुड नॉट का प्रयोग। जैसे माई ग्रैंड फादर कुड नॉट स्विम, वी लुक्ड फॉर डेविड एवरीवेयर बट वी कुड नॉट फाइंड हिम। तो यहाँ पर देखिए दोनों की तरह, अगर जनरल सेंस में भी लेना हो तो आप कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिक सेंस में भी लेना हो तो कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नहीं हो तो आप स्पेसिफिक के लिए वाज वर प्लस एबल टू या माइनस टू का प्रयोग करेंगे, और अगर वो जनरल है तो उसके लिए आप कुड का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा है कि आपको मैं कुड कैन के यूजेज को समझाने में सफल रहा हूँ। इसके बाद भी हम आगे देखेंगे कुड और कैन के साथ जब हैव लगता है तो उसका क्या कंसेप्ट हो जाता है, और कुड और कैन के साथ धीमा लगता है तो क्या कंसेप्ट हो जाता है। तो इसके लिए फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही उस वीडियो को जारी करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें इसको, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो इससे और वो इसको इससे लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।